नमस्कार साथियों, आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल आदित्य स्टडी ग्रुप में। और आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री। देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आजकल के एग्ज़ाम में काफ़ी आने लग गए हैं, इसलिए टॉपिक हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल, ट्यूबलाइट इज़ फिल्ड विथ। ट्यूबलाइट में क्या होता है? तो ट्यूबलाइट में मरकरी, वेपर और आर्गन होते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और इसे नोबल गैस भी कहा जाता है। वहीं मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ फूल्स गोल्ड इज। देखिए दोस्तों, किसे फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो वो है आयरन पायरेट। अब इसे फूल्स गोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी चमक और इसका रंग सोने से मिलता जुलता है। इसका रंग येलोइश टाइप में होता है और चमक बिल्कुल सोने जैसी होती है, इसलिए इसे फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, नॉन स्टिक कोटिंग इन यूटेंसिल्स इज ऑफ। देखिए दोस्तों, बर्तनों में जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो टेफ्लॉन की बनी होती है, और टेफ्लॉन की इसलिए बनी होती है ताकि उसमें कोई भी चीज़ पकाते हुए चिपके ना। नेक्स्ट, कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए दोस्तों, पानी में दो तरीके की हार्डनेस पाई जाती है, एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस को हम गर्म करके दूर कर सकते हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस को दूर नहीं कर सकते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस जो पानी में मिलती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से मिलती है। नेक्स्ट, कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए दोस्तों, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हम दूर नहीं कर सकते हैं, और ये पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से हमें मिलती है। नेक्स्ट, गैस इज यूज्ड फॉर राइपनिंग रॉ फ्रूट्स। किस गैस का इस्तेमाल फलों को पकाने के लिए किया जाता है? तो ये गैस है इथाइलिन और एसिटाइलिन। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि अब फ्रूट्स के बड़े बड़े गोदाम बनने लग गए हैं, जहाँ पर फ्रूट्स कच्चे तौर पर लाए जाते हैं और उनमें ये गैस छोड़ी जाती है, और अगले दिन वे फ्रूट्स हमें पके हुए मिलते हैं। नेक्स्ट, मेन ओर ऑफ मरकरी। मरकरी हमें किससे प्राप्त होती है? तो मरकरी हमें सिनेबार से प्राप्त होती है। इसका फॉर्मूला है HgS। नेक्स्ट, एग शेल इज मेड अप ऑफ। तो एग शेल किसके बने होते हैं? तो एग शेल कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। नेक्स्ट, विच इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है? तो ये रेयन को कहा जाता है। आजकल के कपड़ों में रेयन का इस्तेमाल काफी होने लगा है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वाटर सोल्यूबल विटामिन। पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं B और C। देखिए दोस्तों, अगर ये विटामिन शरीर में ज्यादा भी हो जाते हैं तो ये पानी के रास्ते से शरीर में बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट, फैट सोल्यूबल विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो ये चार होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए की कमी की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन डी की कमी की वजह से हमें रिकेट्स होता है, विटामिन ई की कमी की वजह से बांझ में आ जाता है, और विटामिन के की कमी की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट, कॉमन प्रिजर्वेटिव इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि फूड को प्रिजर्वेटिव में रखा जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो वो प्रिजर्वेटिव का नाम क्या है? तो वो प्रिजर्वेटिव का नाम है बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी एंड बाय होम। तो पहला ऐसा आर्टिफिशियल कौन सा कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बना था और किसके द्वारा बना था? तो ये पहला कंपाउंड था यूरिया, और ये वोलर के द्वारा बना था। यूरिया जिसका केमिकल फॉर्मूला है NH2CO NH2। नेक्स्ट, व्हाट ब्लैकन सिल्वर साइन। देखिए दोस्तों, सिल्वर की जो शाइन है वह चली जाती है, तो वह किस वजह से चली जाती है? तो वह ओजोन गैस की वजह से चली जाती है। ये ओजोन गैस ऑक्सीजन का ही एलोट्रोप है, जिसका केमिकल फॉर्मूला O3 है। इस ओजोन गैस की वजह से ही अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पृथ्वी पर नहीं आ पाती है, लेकिन CFC के यूज़ की वजह से ये ओजोन गैस की परत घट रही है और अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर आने लग गई है, जो कैंसर का प्रमुख कारण है।
नेक्स्ट, सब्सटेंस यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, किस सब्सटेंस का इस्तेमाल कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है? तो ये है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाने लगा है। नेक्स्ट, कोबाल्ट इन फाउंड इन, तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर, तो आयरन जो हमें मिलता है वो किस ओर से मिलता है? तो वो हमें हेमेटाइट ओर से मिलता है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर, जो एल्यूमिनियम है वो हमें किस ओर से मिलती है? तो वो हमें बॉक्साइट से मिलती है, और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर, तो जो कॉपर है वो किस ओर से हमें प्राप्त होती है? तो कॉपर हमें कॉपर पाइराइट नामक ओर से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज, अब वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है? तो इसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है Na2CO3। नेक्स्ट, गैसेस यूज्ड इन वेल्डिंग आर, देखिए दोस्तों वेल्डिंग करते वक्त गैसेस का इस्तेमाल होता है, और वो गैसेस होती है एसिटिलीन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट, गैसेस यूज्ड बाय सी डाइवर्स फॉर ब्रीथिंग आर, देखिए दोस्तों जो तैराक होते हैं, जो समुद्र में तैराकी करते हैं या गोताखोर होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम दोनों मिक्स करके सिलेंडर में लेके जाते हैं ताकि वो ब्रीथ आराम से कर सकें। नेक्स्ट, बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी आर, देखिए दोस्तों विटामिन डी हमें किससे भरपूर मात्रा में मिल सकता है? तो वो हमें सनलाइट और फिश लीवर ऑयल, फिश के लीवर में जो ऑयल होता है उससे हमें वो मिल सकती है। नेक्स्ट, जिंक फोस्फाइड इज यूज्ड एज, देखिए दोस्तों जिंक फोस्फाइड कैसे इस्तेमाल होता है? तो जिंक फोस्फाइड हमें रैट पॉइजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, फ्यूज वायर किससे बनी होती है? तो फ्यूज वायर लेड और टीन से बनी होती है, और लेड और टीन से ही क्यों बनी होती है? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और ये रेजिस्टेंस भी कम से कम देते हैं, जिसकी वजह से वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी हद तक बिना लॉस हुए हमारे पास तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, आयरन की जो शुद्ध रूप है वो हमें किससे मिलता है? तो वो हमें रोट आयरन से मिलता है। आपने सुना होगा ब्लास्ट फर्नेस से ही आयरन निकाला जाता है, बात्य भट्टी, और इससे एक इम्प्योर आयरन भी निकलता है, परीक्षा में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पीट। नेक्स्ट, रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो रेडियम हमें किससे प्राप्त होता है? तो रेडियम हमें पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है, और रेडियम की खोज किसने की थी? वो की थी मैरी क्यूरी ने। नेक्स्ट, विच एजेंट इज एज सीड इन आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा में क्या इस्तेमाल होता है? तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका फॉर्मूला है AgI। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर, तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है? तो उनका नेचर एल्कलाइन होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन, देखिए दोस्तों जब लोहे में जंग लग जाता है तो उस पर क्या असर होता है? तो जो लोहे पर जंग लग जाता है तो वो लोहे का जो वेट होता है वो बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है दोस्तों, लेकिन जो उसकी क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, मेटल्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो मेटल लिक्विड पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, उनमें से एक है गैलीलियम। एक और मेटल है जो लिक्विड पाया जाता है रूम टेम्परेचर, वो है मरकरी और ब्रोमाइन। नेक्स्ट, डैश इज यूज टू प्रिपेयर फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ क्लोथ्स, तो किसका इस्तेमाल करके फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ क्लोथ्स बनाए जाते हैं? तो बनाए जाते हैं कैल्शियम हाइड्राइड की मदद से। नेक्स्ट, गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विद, देखिए दोस्तों
हम लोहे पर गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं ताकि उसकी रस्टिंग ना हो, तो उस पर हम लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड इज, तो क्रोमिक एसिड का केमिकल नेम क्या है? तो क्रोमिक एसिड का केमिकल नेम है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। देखिए दोस्तों, ये सारे सवाल इम्पोर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में या तो ये आते रहे हैं और आगे भी इनके आने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट, विच मेटल इज यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस मेटल का इस्तेमाल होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम मेटल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज, बेरियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम बोलते हैं बाइट्रा वाटर। नेक्स्ट, डैश एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, तो कौन से मेटल हैं जो कौन से एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल हैं? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वे ही नॉन मेटल्स होते हैं। मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, जिनके इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव आयन बना लेते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं और ये उनकी खासियत होती है। नेक्स्ट, डैश इज नोन एज हैवी वाटर एंड यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर, तो कौन सी चीज़ न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर यूज होती है, जिसे हम हैवी वाटर भी बोलते हैं? तो उसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। नेक्स्ट, ड्यूटेरियम इज डैश ऑफ हाइड्रोजन, तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का क्या है? तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। आइसोटोप वे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, ओजोन इज द डैश ऑफ ऑक्सीजन, तो जो ओजोन है वो ऑक्सीजन का क्या है? तो ऑक्सीजन का वो एलोट्रोप है। इसका मतलब ये है कि उसमें केमिकल प्रॉपर्टी तो सारी ऑक्सीजन जैसी है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला है O3। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।